हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कला की साधना हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो इस साधना को कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। यह मानना हर उस कलाकार का है जो सभी चुनौतियों को पार करके अपने सपनों में रंग भरने की कोशिश करता है। ऐसे ही कहानी बाड़मेर की नेहा सोनी की है। वो महज कॉलेजी तालीम के प्रथम वर्ष की छात्रा है, लेकिन प्रतिभा में वह सबसे तेज है। हम बात कर रहे हैं बाड़मेर शहर के सरदापुरा की नेहा सोनी की, जो केवल पेंसिल को अपने जुनून को पूरा करने में लगाकर मनभावन चित्र बनाती नजर आती है। नेहा हमेशा से ही एक चित्रकार और विशेष रूप से एक स्केच कलाकार बनना चाहती है। डीसीएन लाइव से बात करते हुए नेहा सोनी ने कहा कि उन्हें बचपन से ही पेंटिंग का शौक था। पेंसिल शेडिंग के लिए उनकी आदत धीरे धीरे बढ़ी जब उन्होंने अपनी कला में परफेक्शन हासिल की। उन्होंने कहा कि मुझे बचपन से ही स्केच बनाने में दिलचस्पी रही है, मैं तब कार्टून बनाती थी, धीरे धीरे मैंने फिर अपनी कला के लिए परफेक्शन हासिल की। नेहा सोनी आमतौर पर वाटर कलर, बेकार सामान, पेंसिल के साथ पेंटिंग बनाती है, लेकिन उनकी रुचि पेंसिल स्केचिंग में है। उन्होंने कहा, पेंसिल स्केचिंग व्हाट्सएप में बहुत मुश्किल है। पेंसिल स्केच बनाने में अपनी कठिनाइयों को बताते हुए नेहा ने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि सब कुछ पूरी तरह से ड्रॉ किया जाए, यहाँ तक कि एक गलती भी पूरी पेंटिंग को बर्बाद कर देती है। बाड़मेर में कला को अपने कर्म बनाकर अपने हुनर को पेंसिल से कैनवास पर उतारने वाली नेहा की पेंटिंग्स सही में लोगों के दिल जीतती नजर आती है। नेहा के बनाए चित्रों से इसके घर का कोना कोना सजा सवरा नजर आता है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।